2 दिनों की भारी बारिश से पिंजौर की बंगाला बस्ती और अमराला गांव में बरसाती पानी घुसने से लोगों में रोष, घरों में घुसा पानी। पिंजौर शहर की बंगाला बस्ती और अमराला गांव में बरसाती पानी घुस गया। वहीं अमराला गांव में पानी की निकासी का कोई साधन न होने से मेन रोड पर ही पानी खड़ा रहा। बंगाला बस्ती में सुबह बरसाती पानी घुसने के बाद लोगों ने इसकी सूचना कांग्रेस छात्र इकाई NSUI RTI सेल के राष्ट्रीय कन्वीनर दीपांशु बंसल को दी। इसके बाद यहाँ सेल के राष्ट्रीय कन्वीनर दीपांशु बंसल लोगों को आ रही समस्याओं को देखने पहुँचे। दीपांशु बंसल ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए नगर परिषद कालका के सैनिटरी इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा सहित अधिकारियों को सारी समस्याओं से अवगत कराया और विभाग ने जल्दी इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के सामने बंगाला बस्ती में बरसात का पानी हर साल घुस जाता है, जिससे घरों में रखा सारा सामान खराब हो जाता है। वहीं कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने भी सरकार से लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान देने की मांग की है और इन लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कहा है। पिंजौर बंगाला कॉलोनी फॉरेस्ट गेट के सामने खड़े हैं जी, जिसके चलते बारिश के कारण हमारे घरों में पानी घुस रहा है और इस पानी को लेकर हमने काफ़ी कंप्लेंटें दे दी हैं। किसी भी चीज़ की सुनवाई आज तक नहीं हुआ, तो आज हमारे भाई दीपांशु बंसल जी हमारे पास आए हैं और इन्होंने हमारे को भरोसा दिया है और बोला है कि ये काम आपका हम करवाएंगे, तो इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनके साथ खड़े हैं और ये भी हमारे साथ खड़े हैं। देखो क्या हाल है सारी कॉलोनी का, पूरा हाल है, पानी अंदर घुस रहा है। पिंजौर जो अपने हमें विकसित शहर माना जाता है, उसका हाल ये हो चुका है कि लोग अपने घरों के अंदर अब रात को शांति से सो भी नहीं सकते। सरकारी तंत्र मंत्र शासन प्रशासन इतना बेखबर है कि पिंजौर के बीचों बीच फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जो वर्षों वर्षों से कॉलोनी बसी हुई है, बंगाला बस्ती, जिनका पिंजौर के विकास में, कालका के विकास में, इलाके के विकास में सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा सहायता जिन लोगों की है, उन लोगों के घरों में पानी रोड से होते उनके घरों में जा रहा है। इस बारे में जब मुझे पता लगा, मैंने जो नगर परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनको और जो अन्य अधिकारी हैं उनसे बात की और उनको कहा है कि जल्द से जल्द बिना किसी देरी के जो पानी के बहाव का रास्तों से चेंज कराएं और जो ये पानी हो यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है या जो यहाँ पे महामारी फैलने का सबसे बड़ा खतरा हो रखा है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी जो भी कदम उनको उठाए। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो नगर परिषद कालका का चुनाव होगा, जब उसके अंदर विजय बंसल जी जैसे सशक्त नेतृत्व के लोग चेयरमैन और प्रधान की कुर्सी पर बैठेंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसी समस्या और ऐसी दिक्कत कभी किसी हमारे साथी को नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि आज के समय में ये लाचार हो रखे हैं, ये इतने बेशरम हो चुके हैं अधिकारी, ये किसी भी जन समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे। मुझे विजय भाई ने बताया कि इन्होंने कितनी लेटरें, कितनी कंप्लेंटें इन अधिकारियों को देने का काम किया, पर लेकिन मैं समझता हूँ कमज़ोर नेतृत्व और जो आला अधिकारी है उनका जनता के प्रति जन विरोधी रवैया होना, उसकी वजह से आज ये समस्या हुई है।